क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़े नेता थे नीतीश कुमार? क्या बीजेपी ने नीतीश कुमार के कद को पौना कर दिया? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर नीतीश की पार्टी के भीतर से ही आवाज उठने लगी है। दरअसल लालू के जेल जाने को लेकर बगावती रुख अपनाने वाले पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने इन सवालों के जरिए बिहार की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। नीतीश कुमार के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद करने वाले उदय नारायण चौधरी ने नए सिरे से नीतीश और पार्टी पर हमला बोला। अपने एक बयान में चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार का कद प्रधानमंत्री मोदी से कहीं बड़ा था, जिसे बीजेपी ने पौना कर दिया है। बीजेपी से हाथ मिलाने के नीतीश के फैसले की आलोचना करते हुए चौधरी ने कहा कि इस कदम से जेडीयू कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा है, साथ ही इससे पार्टी की साख को भी पट्टा लगा है। उन्होंने पार्टी नेतृत्व पर विरोध की आवाज को नजरअंदाज करने का भी आरोप लगाया। इस दौरान उन्होंने पार्टी के 6 और नेताओं के बागी होने का भी दावा किया है। हालांकि जेडीयू ने चौधरी के दावों को तवज्जो नहीं दी है। जेडीयू ने अपने एक बयान में कहा कि चौधरी जिन नेताओं के बागी होने का दावा कर रहे हैं, उन लोगों को पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से पिछले सप्ताह ही निष्कासित कर दिया गया था। पार्टी प्रवक्ता नीरज कुमार के मुताबिक चौधरी अलग राजनीतिक रास्ता बना रहे हैं और इसलिए इस घटनाक्रम को वो अपने तरफ करने की कोशिश में जुटे हैं। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब उदय नारायण चौधरी ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ बयान दिया हो। 2 दिन पहले ही उन्होंने अपने एक बयान में कहा था कि लालू और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ की गई कार्रवाई बदले की भावना से की गई लगती है। उन्होंने कहा कि इसका उल्टा प्रभाव भी पड़ सकता है और इससे RJD को फायदा होगा। इसके लिए उन्होंने एक उदाहरण भी दिया और कहा कि जिस तरह आग में जलने से सोने में निखार आता है, उसी तरह इससे RJD को राजनीतिक फायदा हो सकता है। जाहिर है चौधरी और JDU के बीच जारी बयानबाजी से इतना तो साफ है कि पार्टी में जारी अंतर्कलह फिलहाल शांत होता दिखाई नहीं दे रहा है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।